Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. Sir ji, kya baat hai, kya entry hai aur kya mahol banaya hai aapne? Dhanyawad. Beej jo boya hai talab mein, Mahalakshmi ka wo shwet kamal, aaj nahi to kal, khil ke rahega. Samasya ka hal, karam ka phal, aaj nahi to kal, मिल के रहेगा। पाजी आप तो आ गए, भाभी कहाँ हैं? समस्या से ज्यादा है? नहीं नहीं, मुझे तो फूल से याद आया, आपको समस्या से याद आया। अरे भाभी के बिना कहाँ चलता है। वो कहावत है कि भाग्यम फलति सर्वत्र नच विद्या नच पुरुषार्थम, मतलब जो भी मिलना है वो तो भगवती के कमाल के वजह ही है। वाह वाह, यस यस। ऐसे संभाला करते हैं। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल सुनीता आहूजा। अच्छा, आपने अपनी एंट्री इतनी धमासान और मेरी इतनी सूखी। तू भाई चल गाने करते हैं। कुछ तो प्लान कर यार मेरे लिए। मेरी फिल्मों के गाने करते हैं, चला। कौन सी वाली? अरे उन्हीं के साथ कर, जिस साथ किया था यार, ओरिजिनलिटी भी कुछ नाम होती कि नहीं? आजा किसी डिस्को में जाएं। हाँ। और फिर वो ऐसा भेलपुड़ी खाए, ये क्या है यार? शादी के बहुत साल निकल जाते हैं जी, तो ऐसे सुल्तान नहीं मिलते फिर। लेकिन जिंदगी भर उंगलियों पर तो नचाया ही है ना चीची को, आज स्टेज पर भी नचा दिया। वेरी गुड। बेशक मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। पहले मेरी मम्मी ने नचाया, आजकल बच्चों की मम्मी नचाती है। I like it, I love it. अच्छा गोविंदा सर, वैसे खुद हीरो होते ना, हीरो नंबर वन हरी उनके सामने, अभी भाभी हीरो लग रही तो खुद खींची। अभी इतने साल हो गए ना, खींची लो। नहीं, और अपनी प्रॉपर्टी का वो भी होता है ना, क्या हौसला होता है कि अपनी तो है यार, है ना, अपना ही माल है ना। ओहो, मतलब वैसे पहली टाइम जो मुझे टच किया था, मतलब मैं तो इतना गांव वाला टाइप का था, मतलब हम लोग का प्यार, वो गाड़ी में हम लोग लौट रहे थे, फिल्म की शुरुआत हुई थी, तो पहले हाथ जो पकड़ा, आदरणीय पकड़ा तो देखो आज तक पकड़ के रखा है, छोड़ा भी नहीं। और छोड़ूंगी भी नहीं। कितने साल हो गए सुनीता हाथ पकड़ने से आज तक? कितने साल? 36 साल। क्या बात है यार, 36 साल हो गए लेकिन अभी भी देख के लग रहा है कि नई नई शादी हुई, हनीमून पे निकले हैं। हनीमून से याद आया जी, 1.5 साल में तेरे 2-2 बच्चे पैदा हो गए। मैं आपको सही बताऊं पाजी, मेरा हनीमून अभी तक पेंडिंग है। जैसे शादी हुई तो वैसे शो शुरू हो गया, तो हनीमून तो मेरा हुआ नहीं। हनीमून है बड़े लोगों का काम, गरीब आदमी तो घर में बरसात में बिजली जाने की वेट करता है। उसी में रिजल्ट आ जाता है। अरे सुनीता मैम जब हमारे शो पे आई थी, सुनीता मैम ने कहा कि मैंने गोविंदा सर को पूरी छूट दे रखी है, जाओ हिरन्स के साथ रोमांस करो, फ्लर्ट करो, पर एक बात ये भी है कि हर जगह ये साथ भी रहती हैं, तो ये कैसी छूट है फिर? नहीं नहीं, कपिल मैं इनका काम देखती हूँ ना, मैं देखती हूँ सब चीज ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। अच्छा, इतना अच्छे से काम देखती है कि काम कर दे। आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत। आइए, धन्यवाद, जोरदार तालियां गोविंदा सर के लिए, सुनीता मैम के लिए। हाय रब्बा। पहले भी मैंने तारीफ कही है, कपिल जैसा शो किसी के पास किसी का नहीं। ओह स्वीट, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद सर। मे गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट, लव यू सर। इतनी तकलीफ के दौर में हंसी का माहौल और हसीन माहौल कहीं दिखाई देता है तो कपिल के शो। लव यू सर, थैंक यू। अच्छा मैम, एक वैसे बुजुर्ग कहते हैं, कहते हैं कि जब शादीशुदा कोई जोड़ा होता है तो एक थोड़ा तेज हो और एक थोड़ा सीधा साधा हो तो बैलेंस बना रहता है। तो आप दोनों में से तेज कौन है और सीधा साधा कौन है? तुझे दिख नहीं रहा है, जवाब ना दे। ये सवाल रखा भी क्यों? मतलब के मैंने फिल्मों में बहुत सी कॉमेडी की है, पर रियल लाइफ में मुझे जो हंसाया करती है घर में, ओह वंडरफुल, मेरी हंसी की वजह।
मेरे घर में ही है। अच्छा, जब शादी से पहले मैंने सुना है कि जब सुनीता मैम से शादी होने वाली थी सर की, तो तकरीबन एक साथ 40 फिल्में साइन की थी और इधर से उधर उधर शूटिंग कर रहे थे, तो आपको आपके ससुराल वालों ने कहा था खाली सूटकेस देगी कि पहले इसको भर के लाओ फिर शादी होएगी, इतना काम कर रहे थे, प्यार का समय कैसे मिल गया आपको? मेरे ससुराल के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि पूरे घर परिवार में आपके चाहे जो वजह हो जाए, किसी वजह से झगड़ा हो जाए, गलती कभी मेरी नहीं होती है। Oh, so sweet. They love me that much. मतलब कि मेरी सास के आगे nobody can say her कि आपका दामाद ने मिस्टेक किया है। Wow. कभी नहीं। हाँ, गो चिची तो ऐसा कभी नहीं करेगा। वाकई जमाए राजा हो। मैं मम्मियों का फेवरेट हूँ। अच्छा गोविंदा सर, ये जनता के सवाल है, ठीक है? जनता के है ना? हाँ। जनता है, माय बेस्ट फ्रेंड जनता इधर ही बैठा होगा। ये कभी कभी ऐसा होता ना कि हम बाहर से चाय पी के आए और घर पे आके कोई पूछे कि चाय पियोगे तो आदमी बोलता है नहीं मैं बाहर से पी के आया हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप बाहर से रोमांटिक सीन करके आए हो फिल्म में और आप घर गए हो, भाभी ने कैंडल वैंडल ऐसे अरोमा बड़ा बनाया हो और आप कहें कि नहीं मैं तो अभी भी बाहर करके आया हूँ? मैं सच कहूँ, आप शर्मा हो नाम से, पर मैंने शर्मा शर्मा के बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। सुनीता मैम, कभी ऐसा हुआ कि आप गोविंदा सर से ऐसी जगह टकरा गई हूँ जहाँ नहीं मिलना चाहिए था? कहाँ टकराई थी यार आपसे? कभी आज तक पकड़ा नहीं गया मैं। गोविंदा सर, कभी ऐसा हुआ कि घर में कभी नोकझोंक हुई हो भाभी से और उसका गुस्सा सेट पे जो आपकी वाइफ बनी है उन पर निकल गया हो, या घर का अधूरा प्यार मतलब जो मार तो नहीं मार दिया? सेटिंग घर में हो या बाहर हो, हाँ। मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई आज। सबसे बड़े सेटर है ये। भाभी, ऐसा कभी हुआ है आप इनके सेट पे पहुंची हो और इनका वहां पे रोमांटिक सीन चल रहा हो और आपको देख के इन्होंने बोल दिया होगी आज एक्शन कर लेते हैं? मैं नहीं कर पाता इसके आगे रोमांस, आई स्वेयर नहीं कर पाता, मुझे वाकई शर्म आ जाती है। मैं आज तक इसके आगे कभी रोमांस ही नहीं किया, ये आ जाती है सेट पे, मैं कहता हूँ यार अभी थोड़ा ठहर जाए, निकल जाए फिर शॉट देंगे। सर, कभी ऐसा हुआ कि आपके कोई को एक्टर जो आपके साथ फिल्म में काम कर रहे हो आपको घर से पिक करने आ गए हो कि मैं ही लेके चलता हूँ कहीं मुझे इंतजार ना करना पड़ जाए? अरे कब आएगा यार घर में, मैं तो इतने सेट पे होता था, इधर से उधर उधर से इधर, प्रोड्यूसर ढूंढने में लगे रहते थे। वो एक्टर्स कहाँ से बेचारे ढूंढेंगे मेरा? तो हमने एक बार ऐसा किस्सा सुना था कि बच्चन साहब आपको पिक करने आ गए थे कि अरे मैं साथ में ही ले चलता। नहीं नहीं नहीं, बच्चन साहब के साथ जिस वक्त फिल्म की मैंने, मैं पहले दिन कह दिया था सर मैं कभी टाइम पे नहीं आता हूँ और आप मशहूर हैं कि आप टाइम पे आया करते हैं, तो प्लीज आप देखिएगा जरा आपके जो जितने चेले चपाटे लोग हैं ये कहीं मेरी बैंड लगा देंगे तो फिर इट्स वेरी टफ। पर बच्चन साहब की ये खासियत है, वो कभी भी शब्द के खिलाफ नहीं जाते, आप कभी शायद उनके मुंह से सुन लेंगे कि मेरे बारे में उन्होंने कभी गलत कहा हो, नेवर, बिल्कुल कभी नहीं। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो ऊंचाई पे आते हैं ईश्वर ने जो प्रदान किया होता है उसी वजह से वो पहुंच पाते हैं, बिल्कुल। वो तो हाथ जोड़े जोड़े घुमा करते हैं। अरे हाँ, मतलब शक हो जाता है आदमी को ऐसी शराफत पे के यार। अर्चना जी, हाँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। जब मैं बहुत खुश होता हूँ ना तो मैं ये जूते पहनता हूँ। अच्छा। तो खुश किस लिए हैं आप? क्योंकि आज ये जूते पहने। ये अपने आप सोचना चाहिए मैं क्यों खुश हूँ। आज सारी दुनिया खुश है देखो, क्योंकि गोविंदा जी आए हैं, सुनीता जी आए हैं, कौन खुश नहीं? सर, मैं, मेरे पास लफ्ज नहीं है, स्क्रिप्ट मुझे याद है लेकिन फिर भी मेरे पास तारीफ के लिए लफ्ज नहीं है। मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ सर, मैं ना कॉमेडी में, एक्टिंग में, डांस में, मैं आपको ही अपना गुरु मानता हूँ। ये सच है, मैंने अंगूठा भी कटवा दिया अपना। अंगूठा तो आपका ठीक है? नहीं, अंगूठा मैंने अपना नहीं, अपने फ्रेंड का कटवाया फिलहाल।
नहीं सर, आई लव यू। नहीं वो हमारा अपना अंडरस्टैंडिंग है, कभी वो मेरे नाखून कटवाता है, कभी कपड़े अपना चलता है। बहुत बहन सर, एक बात बताइए कि हर फिल्म मैंने आपकी देखी है, सब फिल्मों में हीरोइन अलग अलग होती है, देखा ना आपने? हाँ। जब टीवी शो देखो तो यही हीरोइन होती है। अरे उनकी वाइफ है। वो कौन सी हीरोइन से काम है? जोरदार तालियां। ये है ना गोविंदा सर, ये मेरे ऐसे दूर के चाचा हैं, फालतू में ये आप चलती इंटरव्यू में क्यों घुस आते हैं आप? जब मैं रुकी में आता हूँ तो तुम बोलते हो जाए चाय लेके आओ, पानी लेके, मेरी बड़ी बेइज्जती। सर पता क्या है कि मैंने एक कलाकार की भावना, सर आप ही समझ सकते हैं, मेरे बचपन से इतने सपने थे कि मैं भी एक दिन बड़ा हो जाऊंगा, मैं भी गोविंदा ही जैसा सुपरस्टार बन। एक सपना तो मेरा आज पूरा हो गया। कौन सा? कि मैं बड़ा हो गया हूं। अच्छा बाकी सपने भी मैं पूरे करना चाहता हूँ, मुंबई में मेरी नींद ही नहीं पूरी होती, मैं क्या करूँ? क्यों? जब मैं सोता हूँ पुलिस वाले उठ ये फुटपाथ तेरे बाप का है, तो यार मेरी समझ में नहीं आता, फुटपाथ के मैं ऊपर नहीं सो सकता, ब्रिज के मैं नीचे नहीं सो सकता, समंदर में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, सड़कों पे गाड़ियां चलती, मैं सपने कहाँ लूँ? लेकिन मैं आपको बताऊं, ये मैं दिल से कहता हूं कि मैं गोविंदा तो बन के ही रहूंगा। अच्छा, चाहे मैं अगली उम्र में बनूं। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी बन जाता है गोविंदा। स्ट्रगल हमने गोविंदा जी ने एक ही टाइम पे स्ट्रगल शुरू की थी, मुझे आज भी याद है। क्यों झूठ बोल रहे हैं? वो आपसे छोटे हैं, ऐसे एक टाइम पे कैसे शुरू कर दिया? नहीं नहीं, वो विरार से 9 बजे निकलते थे, मैं इधर घाट गोपर से निकलता था 9 बजे, टाइम एक ही था। लेकिन स्ट्रगल की क्या बताएं, मैंने तो उनके साथ काम भी किया है। उन्होंने तो कभी नहीं बताया कि आपने काम किया। अरे सर वो जो फिर मैं वो उनके साथ किया जो आपके साथ ही मिलते जुलते हैं, वो क्या, करिश्मा कपूर जी। करिश्मा कपूर इनके साथ कहाँ मिलती जुलती है? अरे सेट पे वो फिल्में करते तो क्या आपस में मिलते जुलते नहीं होंगे? हम नहीं मिलते जुलते, कैसी बात कर रहे हो? ऐसा नहीं है, देखो फिल्मों की स्ट्रगल जो है ये अलग है, मैंने तो जीवन में पूरी जिंदगी स्ट्रगल की है, मेरे परिवार ने स्ट्रगल की है। मैं छोटा सा था, मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन एक दिन अचानक उनको पड़ोसन के साथ भागना पड़ा। नहीं गलत नहीं, गलत नहीं थे वो, उनका वैसे चक्कर था आपस में, होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसे जो चक्कर होते हैं ना मेरे पिताजी के थे, उसके बाद लाइफ में सब उलट पुलट हो गया। मतलब पहनने के लिए चावल नहीं, खाने के लिए जूते नहीं, ऐसे हालात हो गए हमारे। अरे पहनने के लिए जूते, खाने के लिए चावल, मैंने बोला ना सब उलट पुलट हो गया उसके बाद। मैं अर्चना जी एक मेरी फरमाइश कर दीजिए गोविंदा जी को कि मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे सर। क्या? प्लीज मेरी बायोपिक में वो काम कर दो आप, एक्टर। बायोपिक? वो आपकी बायोपिक में काम क्यों करेंगे? कोई बात नहीं, वो सुपरस्टार है, तुम कर दो। तुम कर दो, देखो ठीक है बताओ क्या कर दो, मगर मेरी एक शर्त है। एक तो तू कपिल वो नहीं करेगा इसमें कि वो इधर से एंट्री लो, इधर से एंट्री लो, काजू नहीं खाने, सेलिब्रिटी से फोटो नहीं खिलाने, ये तेरा कोई रोल नहीं इसमें। अच्छा, क्योंकि बायोपिक मेरी है। हाँ। ओके ठीक है, तो इसमें कहीं कोई बाई खड़ी होगी, इसको जाके उधर से पिक करना। सर तो अच्छा ऐसा है कि देखो जिसकी बायोपिक होती है ना उसको यही होता है कि मेरी जो कहानी है वो ना हिले। नो प्रॉब्लम, आप स्टोरी सुनाओ। आप एक लड़का है जो गांव में जन्म लेता है, आपकी बायोपिक है। हाँ जी, गांव में अभी गर्मी बहुत है, लंदन वंडन रख लो ना। कर लो, बस मेरा तो ये, मेरी स्टोरी ना हिले, मेरा जन्म कहीं भी करवाओ, मेरी कहानी सच्ची रहे। ठीक है ठीक है। और बच्चा जब बड़ा हो गया वो अनपढ़ है? नहीं अनपढ़ नहीं, वो लंदन में अनपढ़ होते नहीं। तो कर लो मेरे, बस मेरा तो यह है मेरी कहानी ना ले। वो लड़का जब बड़ा हो जाता है बॉलीवुड में स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है। नहीं वो तो मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ। सिंगर, सिंगर बना लो। कोई बात नहीं, सिंगर बना लो, बस मेरा यही मेरी स्टोरी ना ले। ठीक है हाँ। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि वो जो लड़का है सिंगर बनना चाहता हाँ। है वो लड़के की जगह अगर लड़की कर दे उसको तो। हाँ वो तो तुम्हारा काम है, लड़कियों को लड़की बहुत अच्छी बनाते हो तुम, बना दो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.